खाने में मेरी बचपन की तस्वीर मिली है। देखो मैं कितना सुंदर और कितना हसीन लग रहा हूँ। आओ आओ। सबसे बड़ी मछली सिराका है। अरे ये तो हमारी ओर ही आ रही है हमारा नाश्ता करने के लिए। हमारा जहाज दूसरी तरफ क्यों जा रहा है? अजीब बात है, ये मछली हमें नुकसान पहुंचाने से ज्यादा खींची जा रही है। कहीं ले जाना चाहती है हमें, लेकिन कहां? ऐसा तो तभी कोई करता है जब कोई कुछ बताना चाहता हो या कहना चाहता हो। इसका मतलब समुद्र की सबसे खतरनाक मछली भी तुमसे बात करना चाहती है? लगता तो ऐसा ही है। जहाज को कस के पकड़ लो। सिंधबाद, वो मछली हमें इस टापू पे क्यों लेकर आई है? क्या राज है इसके पीछे? रुक जाओ, रुक जाओ बुड्ढे, हमने कहा रुक जा। ऐसे जालिमों की तरह उस बेबस बुजुर्ग को मार रहे हैं। रुक जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। वो इंसान ही है जो किसी बुजुर्ग पर जुल्म होते हुए देख अपने मयान से तलवार ना निकाले। उस दिलों भरी जिंदगी से बेहतर है बहादुरी भरी मौत। बाबा कौन है आप? अहमद, अहमद। कौन थे वो लोग? वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? कब्रिस्तान के बादशाह जोहर, उसकी आवाम की हिफाजत करना। कब्रिस्तान के बादशाह जोहर और आवाम की हिफाजत? पर कैसे बाबा? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। खुदा इनकी रूह है पाक को सुख बख्शना। यहाँ के बादशाह जो है और यहाँ की आवाम खतरे में। पर क्या खतरा हो सकता है? खतरा चाहे जो भी हो, उस समुद्री मछली का हमें यहाँ लाने का मकसद यहाँ के बादशाह जोहर और यहाँ की आवाम को बचाने का था। हमें सबसे पहले उस कब्रिस्तान को ढूंढना होगा जिसका ये जिक्र कर गए। Oh,
रात के ये लोग कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? लोग मरने के बाद भी कब्र के अंदर जाना पसंद नहीं करते, ये लोग जिंदा घुस गए? नहीं नहीं, ये इंसान नहीं हो सकती, पक्का कोई और। सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? कहाँ गए वो लोग? अरे भूतों की जासूसी कर रहे हो? क्या कह रहे हो वो लोग? इसका खून भी नहीं, आज इसे डरा के मारना है। चलो चुपो, चलो गया। कैसे अजीब भूत है ये लोग, उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई है। चुप करो बाबर, भूत भी तुम जैसे बुजदिलों को ढूंढते हैं। क्या कर रही हो काया? तुम मुझे शेर से लड़वा दो चलेगा, पूरी फौज से लड़वा दो चलेगा, लेकिन भूतों से कैसे लड़ूंगा? वो भी मरे हुए को कैसे मार सकता हूँ मैं? ये ऐसी मकड़ियां, वो लोग अंदर कैसे गए होंगे? इनके साथ पत्ते खेलूंगा। कौन है? चले चलिए वैसे। तुम्हें आप घबराइए मत, हम आपके दुश्मन नहीं। जी मैं सिंदबाद हूँ और ये मेरे दोस्त काया और बाबा। हमने कुछ लोगों को यहाँ अंदर आते हुए देखा, तो उन्हीं के पीछे चले। अब है कौन? कब्रिस्तान का बादशाह सुहैर हूँ। आप हैं बादशाह जुहैर? आप यहाँ कब्रिस्तान में कैद? हाँ कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ मुझे कैद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही हम शक्ल भाई जाहिद है। मेरी जगह कब्रिस्तान की गद्दी पर बैठा है और मैं यहाँ इस हाल में हूँ। शैतान हो गया था वो, अबू को पता चला तो उन्होंने सल्तनत से निकाल बाहर फेंका उसे। लेकिन क्या करते, वो था तो एक बाप का दिल, बहुत कमजोर पड़ गए वो, उनकी तबीयत महसूस हुई और कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। जब खबर पड़ी उसे तो आया सल्तनत मुझसे मिलने। जुनैद भाई, मुझे मत मारिएगा भाईजान,
मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। अभी साहब से एक बार आपस मेरी बात सुन लीजिए। इस तरीके से भेष बदल कराने की क्या जरूरत थी? क्या इरादे हैं तुम्हारे इस बार? बिना भेष बदले जो मुमकिन ना था भाईजान, खबरिस्तान की आवाम मुझे अब्बाजान का कातिल समझती है। सही समझते हैं लोग। आवाम का मानना सच है ये कि अब्बू के कातिल तुम ही हो। सिपाहियों, निकाल बाहर करो उसे शहर से। इतना दूर कि इसकी चीख की आवाज भी आसपास सुनाई ना दे। भाईजान, 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 भाईजान। जी भाईजान, मुझे माफ कर देना। मैं मानता हूं मैंने नादानियां की, लेकिन अब्बू के जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मुझे माफ कर देना। देखिए, मुझे लगता है आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए। जरूर इसकी पहचान होगी। आपका शक अपनी जगह सही है, लेकिन क्या पता जायद भाईजान सच में बदल गए हो। और वैसे भी जायद भाई आपके सगे भाई हैं, आपका अपना खून है। एक और मौका देना अपने खून की कीमत चुकाना समझ लीजिए। अपना भाई समझा, हर फर्ज निभाया, उसने चूरा भरो दिया, धीरे धीरे बाकी सबसे भाइयों को अपनी तरफ मिला लिया और हमारे खिलाफ साजिश रची। मुझ तक यह खबर पहुंचती उससे पहले एक रात से निकाल बाहर फेंका और लोगों को यह तक न पता चला कि शाही तख्त पर सुहेर नहीं जाहिद बैठा है। जाहिद और मुझ में फर्क करना नामुमकिन है, लेकिन कहते हैं एक बीवी से उसके शौहर को नहीं छुपाया जा सकता। रोजिदा को शक हुआ उसी वक्त की नजाकत को समझकर वो महल से शाही ताज और शाही छड़ी लेकर रवाना हो। भाभी जान हमारी नाक के नीचे से निकल गई। किसी ने कुछ ना किया? कैसे? उसे कैसे शक हुआ? मुझे बस वो शाही ताज और वो तिलिस्मी छड़ी चाहिए। बात दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, शाही ताज और शाही छड़ी मिलने से कब्रिस्तान का बादशाह बना जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया पे हुकूमत कैसे की जा सकती है? तिलिस्मी शक्तियां, शाही ताज और छड़ी में ऐसी तिलस्मी शक्ति है कि सत्य जब दो चांद आसमान को रोशन करेंगे, तब हमारे खानदान के किसी वारिस की ताजपोशी हो तो वो विश्व का सर्वशक्तिशाली इंसान बन जाएगा। और
मैं नहीं चाहता कि कभी साहिद जैसे इंसान के पास तिलस्मी शक्ति पहुंचे और वो दुनिया पर कहर बरसाए। सिर्फ मैं जानता हूं कि मेरे मलिका रोजिता कहां है, इसलिए मुझे साहिद ने जिंदा रखा हुआ है। मलिका रोजिता जब महल से भागी तब तो आप कैद थे, फिर आपको कैसे पता चला कि वो कहां है? अक्सर ऐसे मौकों के लिए एक खास राज के साथ कुछ ऐसी खुफिया जगह होती है जिसका पता सिर्फ एक बादशाह और उसकी बेगम को होता है। बस उसी जगह पर है। किसने? इसने उस बुड्ढे की जान बचाई। कौन था जो हमारे फरमान के बीच में आया? नहीं, ये अजनबी भाई जान और उनकी मलिका रोजिता के साथ हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहा है? बादशाह आप फिक्र ना करें, हमारा तो मकसद ही बुराई के सामने तलवार उठाकर दुनिया में नेकी का झंडा लहराना है। हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया अजनबी दोस्त, सबसे बड़ी मदद यही होगी कि सिर्फ मेरी मलिका मेरी रोजिता से एक बार मिलवा दो। जी जरूर, आप बताएंगे वो अभी कहाँ होगी? वो सिंधबाद, मेरी मलिका समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई है। वो शिराका मछली तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। शिराका? ठीक है बादशाह, मैं जल्द से जल्द आपकी खबर मलिका तक पहुंचाऊंगा। ये वादा रहा कि आप यहां से जल्द आजाद होकर एक बार फिर से अपने तख्त पर नजर आए। नहीं खुलेगा ये सिंधबाद, नहीं खुलेगा। इस नकाब पर ताला लगा रखा है, ये देखो, जिसकी चाबी वो अपने गले में लटका के खोलता है। आलतू जलाल तू आई बोला को टाल तू। सिंधबाद, सिंधबाद वो जाहिद, जाहिद आ रहा है। वो एक रात में कभी दो बार नहीं आया, इसका मतलब उसे शक हो गया है। सिंधबाद, उसे मेरी मलिका रोजिता तक मत पहुंचने देना। मारा सैनिकों को। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कैदखाना इतना कमजोर है? मैं बाहर जाके कत्लेआम करके यहां बेड़ियों में फिर चढ़ जाता हूं। कहां है हमारी मलिका रोजिता? बहुत फिक्र है हमें। उससे भी ज्यादा फिक्र हमें हमारे आवाम की है। वो शाही ताज और शाही चढ़ी अगर किसी गलत शख्स के हाथ लग गई तो आवाम की जान को खतरा हो सकता है। जाओ ढूंढो शाही ताज और चढ़ी कहाँ है। मेहरबान कदरदान, जाने कितनों की जिंदगी बनाने वाले, फूलों से महकाने वाले, आगे पीछे की सारी कहानी सुनाने वाले, पेश है आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े कबाली बाबा। आइए आइए आइए। कौन हो तुम? पैदाइश इस मुल्क की नहीं, तुम किसी और देश से आए हो। ये बात आपके और मेरे अब्बू के सिवाय किसी को मालूम नहीं। हुजूर ये जी मैं वो हूँ जो अतीत में जाकर उसकी कहानी बता सकते, आने वाले कल को आज देखकर उसकी रवानी बता सकते हैं। क्या बता सकते हो तुम आने वाले कल के बारे में? सवाल पूछे, जवाब नहीं दिया तो गर्दन काट देना। तो ठीक है, हमारी मलिका रोजिता, वो
शाही ताज और शाही छड़ी कब वापस आएंगे? उसके लिए मुझे कुछ छूना पड़ेगा जिससे मुझे यहाँ का एहसास हो। मुझे वो तीनों महल में दिख रहे यहां आते हुए। बहुत जल्द। जल्द मतलब कब? इसका मतलब ताजपोशी होगी। हिसाब से होगी। कब्रिस्तान के होने वाले बादशाह की ताजपोशी जरूर होगी। ठीक। अपने वक्त। और अब ये बताओ, इस वक्त शाही छड़ी और शाही ताज कहाँ है? और मलिका रोजिता? हाँ हाँ, हमारी बेगम। जान से मोहब्बत करते हैं, वो कहाँ है? उसके लिए मुझे वक्त लगेगा और आपकी मदद भी चाहिए होगी। क्या है कि बहुत लोगों से पूछताछ करनी होगी, बहुत चीजों का इस्तेमाल करना होगा और ये सब आपकी इजाजत के बिना मुमकिन नहीं। तो अगर आपकी इजाजत का एक हुक्मनामा मिल जाता मेरे लिए आसानी हो जाती। इन्हें जो चाहिए बिना पूछे दिया जाए और किया जाए। बोलिए क्या काम करवाना है? तुमने हमारे होने वाले बादशाह सुहैर के लिए लोहे का नकाब बनाया था, मुझे भी हूबहू ऐसा ही नकाब चाहिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि उस जैसा नकाब दोबारा कभी ना बनाया जाए। शाही हुक्मनामे को ना मानने की सजा जानते हो? ठीक है, बनाता हूँ, बनाता हूँ। सिंदबाद, कुछ तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरे पेट में उथल पुथल हो रही है। बस देखते जाओ, देखते जाओ। जाहिद मैं आ गया, उठो मैं आ गया। तुम्हारा कैद खाना मुझे कैद नहीं कर पाया। उठो जाहिद, उठो जाहिद, मैं आ गया। आप था के हकीकत मैं यहाँ हूँ।
तुम्हारे सारे राज का पर्दाफाश होगा, पर्दाफाश होगा। आज ना कोई सिपाही है और ना कोई मदद करने वाला। है तो सिर्फ मैं और तू। देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम है। मैं झांक कर उसकी कहानी बता सकता हूं और अब तेरा कल मैं तय करूंगा। बादशाह की ताजपोशी होगी, वो भी सही वक्त पर। होगी ना? होगी, ताजपोशी जरूर होगी। बस मल्लिका रोजिता को सामने ला, मुझे वो शाही ताज और शाही छड़ी दिलवा दो। ठीक है, पर तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना होगा सबके सामने। मंजूर है। कब्रिस्तान के मेरे साथियों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम मल्लिका रोजिता, तिलस्मी ताज और शाही छड़ी को ढूंढने में नाकामयाब रहे। कुछ ही पल में दो चांद एक साथ निकल आएंगे और हम ये ताजपोशी नहीं कर पाएंगे। नहीं, ताजपोशी होगी। मेरी मल्लिका रोजिता और वो शाही ताज और छड़ी मिल चुके हैं। सुभान अल्लाह, आप शाही दावत का लुत्फ उठाइए,
बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। फिरे आलम बिस्मिल्ला कीजिए, चलिए। साहिद, वक्त बहुत कम, वादा निभाओ। और फरमाइएगा। एक राज बयां करना चाहते हैं, शायद वो जानकर आप लोग कभी मुझे माफ ना करें, मगर असलियत यह है कि मैं सुहेर नहीं हूं, शायद हूं। क्या तुम जाहिद हो? तो बादशाह जोहर कहाँ है? धोखा हमारे बादशाह इस हाल में, और तुम हमारे बादशाह की जगह? यह तो गद्दारी है। फिर एक बार सल्तनत के दुश्मन हुए तुम। इंदमार, अब तुम्हारी बारी है। मुझे भाभी जान, शाही छड़ी और शाही ताज दे दो। तुम्हें सब मिलेगा जाहिद, पर सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि उनके आने के बाद तुम सीधा कैद खाने जाओ। वज़ीरे आला, साहिद को बंदी बना लीजिए। इस बात से वाकिफ था कि तुम कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल खेलोगे। भाईजान, मैंने उससे भी बड़ा खेल खेल दिया। इनकी शाही दावत में जहर मिला दिया। अब अगर इनको बचाना चाहते हैं तो शाही ताज और शाही छड़ी, बस और कुछ नहीं। और तुम्हारे पास दो चांद निकलने तक का वक्त है। पर इनके खाने में तो तुमने जहर मिला दिया, ये जिंदा कैसे हो? मुमकिन है, लक्ष्मी असुर दवा है मेरे पास, जिससे मैं इन सबको कैसे जिंदा कर सकता हूं। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त है, वक्त जाया मत करना, वरना अलविदा। ठीक है, देखो वक्त बहुत कम है, मुझे अपने साथियों को साथ लेकर जाना, तभी मैं शाही ताज और शाही छड़ी को वक्त पर वापस लेकर आ सकता। हाँ, जल्दी आना सिंधबाद। अंगूठी लेके जाना, मेरी मलिका रोशिता को देना, वो तुम पर जरूर यकीन करेगी। चलो। काया, बाबर, मैंने तुम्हें अपने साथ इसीलिए बुलाया ताकि तुम वो तिलिस्मी अजूर दवा ढूंढ और जल्द से जल्द लोगों को पिला दो। मैं अकेला ही मलिका रोशिता को लेने जाऊंगा। लेकिन सिंधबाद, दरियामाल तो समुद्र के सबसे खतरनाक मछलियों से घिरा पड़ा, और तुम वहां अकेले? जाना होगा बाबा, क्योंकि अगर आज मैंने खतरा नहीं उठाया तो अच्छा ही खतरे में पड़ जाए, और मेरे जीते जी ये हो नहीं सकता। आप
बाबर। सलाम मलिका रोजिता, मैं सिंधबाद हूँ। मुझे यहाँ बादशाह जुहैर ने भेजा आपको कब्रिस्तान वापस ले जाने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस शाही ताज और शाही छड़ी को महफूज रखा होगा। तुम जो भी हो, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम जाहिद के साथी नहीं? आप इसे तो जरूर पहचानती होगी। ये तो मेरे बादशाह की है। चलो। माफ कीजिए मलिका, पर आपने वो शाही ताज और शाही छड़ी नहीं ली। ये रहे। ये तो बहुत छोटे हैं। शैतानी ताकतों से बचाने के लिए इनको इसी तरह हिफाजत से रखा जाता है। और वैसे भी इनकी तिलस्मी ताकत इनकी बाहरी रूप में नहीं, इनके अंदर है। यहाँ तो इतनी सारी शीशियाँ हैं, आजूर दवा कौन सी होगी? आया, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। एक काम करते, इन पहरेदारों को पिला पिला के देखते, जो काम कर गया समझो अपना काम बन गया। बाबर, हमें कुछ करना होगा। दो चांद एक साथ निकलने ही वाले, वक्त नहीं है हमारे पास। सिंधबाद के आने से पहले ये काम करना ही होगा। बाबर उठो जल्दी, लगता है बाबर को भी हजूर दवा पिलानी ही पड़ेगी। लेकिन कहां से? अभी भी वक्त है शायद। बादशाह बनने का जुनून अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। चुप चुप चुप, मुझे कोई नहीं रोक सकता भाईजान, कोई नहीं। इसका मतलब यह कि तुम सिंधबाद को भी धोखा दोगे। ऐसा नहीं होने दूंगा। बिल्ली का खेल अभिजान, बंद कीजिए ना ये सब। तो शाही ताज और इसमें छड़ी लौटा दीजिए बस। ये इनकी जान बचा लीजिए।
माशाल्लाह। सिंदबाद क्या कर रही है? सबकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे सिंदबाद। हटाओ इसे, हटाओ। दुनिया को धोखा देने वाले, अपने भाई के साथ धोखेबाजी का खेल खेलने वाले हमारा छोटा सा खेल समझ नहीं पाए। नामुमकिन है, असुरता वो तो मेरे हाथ में। इससे पहले कि तुम्हें चक्कर आए, हम तुम्हें बताते हैं कि ये क्या चक्कर है। ये देखो असली अजूर दवा, जिसे तुम अजूर दवा समझ रहे हो, बड़ा ही रंगीन शरबत है। पियो, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ मिठास आ जाए। हमने पहले ही अजूर दवा निकाल के रंगीन पानी शीशे में भर दिया था और इन सबको हम पहले ही असली अजूर दवा पिला चुके हैं। जाहिद, तुम्हें अपने भाई की शक्ल तो मिली पर उसका जमीर नहीं मिला। तुम्हारा नकाब हट चुका, तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह, दो चांद निकल चुके हैं, ताजपोशी का वक्त हो चुका है। चलिए, शुक्रिया सिंदबाद।